हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मरग। हैदराबादी मटन मरग बनाएंगे जो कि शादियों में बनता है अक्सर। तो ये तो बहुत इजी होता है। चलिए तो हम देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं। 1 kg मटन, 1 से 2 हम अनियन लेंगे, होल ब्लैक पेपर, फिर हम डालेंगे साल्ट, बटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, देन वाटर। वाटर हम इतना लेंगे कि अच्छे से मटन गले उतना। फिर हम यहाँ लेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें आएंगे काजू और बादाम। हैंडफुल ऑफ काजू और हैंडफुल ऑफ बादाम लेके उसका पेस्ट बना लेंगे हम। देखिए यहाँ मटन हमारा गल चुका है। हमें मटन को अच्छे से गलाना होगा। देखिए बोन्स पे से मटन इस तरह से निकल जाए। देखिए अच्छा मटन, जितना अच्छा मटन गलेगा हमारा डिश में उतनी अच्छा स्वाद आएगा। तो चलिए इसका पानी हम यहाँ पर सूखने रख देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे एक बोल में तेल डालेंगे, हम ऑयल डालेंगे। देखिए जैसा ही ऑयल हॉट हो जाएगा हम उसमें जो ये काजू बादाम का जो हमारा पेस्ट था हम वो डाल लेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भूनना होगा हमें ताकि वो नीचे ना बैठे। और नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर पाउडर। हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून वाइट पेपर पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भूनेंगे। इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पर देखते जाएंगे, भूनते जाएंगे ताकि वो नीचे बैठे ना। देखिए ये ऑलमोस्ट भुने जा चुका है, फिर भी हम इसे थोड़ी देर रखते जाएंगे, भूनते जाएंगे। तब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसे भूनेंगे। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। सी देखिए अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है हमारे मसाला रेडी हो चुका है बनके। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा हमने मटन गला के रखा था अच्छे से, वो डालेंगे। देखिए हमने सारा ट्रांसफ़र कर दिया है इसे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। वाटर अच्छा डालना होगा हमें क्योंकि ये रोटी के साथ खाया जाता है, तो इसे हम अच्छा पानी डालकर ही रखेंगे। मैंने यहाँ 3 से 4 ग्लास वाटर डाला है। आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग क्रीम, थोड़ी सी हम इसमें क्रीम डालेंगे। देखिए हो चुकी है क्रीम, हमने इसमें डाल दिया है। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे आप इसमें मिल्क भी डाल सकते हैं, मैंने डाला है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो वरना लीव इट। मैंने डाला है टेस्ट के लिए। 1 कप मैंने मिल्क डाला था इसमें। देन अब हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। चाहो तो आप होल गरम मसाला भी ले सकते हो। जब हम गोश्त जब हम गलने रखते हैं ना तभी भी डाल सकते हो या अभी भी डाल सकते हो। और इसमें मैंने डाला है देसी घी 2 टीस्पून। अब इसको मैंने अच्छे से पकने रख दिया है। आप अगर मिल्क की जगह आप मलाई यूज़ कर सकते हो, क्रीम की जगह मिल्क की जगह आप मलाई यूज़ कर सकते हो, उसमें और अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखिए ये अच्छे से पक चुका है। हमें इसके हिसाब से देख के रखना चाहिए कि मतलब हमें कैसा लगेगा, गाढ़ा या पतला, वो हिसाब से हम रख लेंगे। मैंने तो ऐसे रखा है। अब हम गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स डाल देंगे। अब हम इसको रख देंगे ढककर 10 से 15 मिनट्स अच्छे से दम पे रख देंगे हम इसको। हो चुका है हमारा रेडी मरग। देखिए मरग रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब।